प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षमता का सदुपयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लियावारा विषय माथे राखी वेबिनार ने कर संबोधित कि आ भारत प्रौद्योगिकी ने जरिए नागरिका ने बनाओ है मजबूत। भारत नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक री सालाना प्रतिवेदन रपट आज धरी की विधानसभा पटंत्री सदन में पेश कर्या न्यारा न्यारा महकमा री सालाना लेखा रपट। डॉक्टर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव ने ले देश मनायो है विज्ञान दिवस। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों ने दीना बधाई। जोधपुरा सीमा सुरक्षा बल सहायक प्रशिक्षण केंद्र में राखी जी दीक्षांत परेड। नुवा आरक्षक दीक्षांत परेड में लीना देश सेवा री शपथ। चोखो प्रदर्शन करवाला ने कर सम्मानित। अर प्रदेश रा मौसम में उतार चढ़ाव जारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी खेतर में बह सके थोड़ी घनी बिरखा। खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह है कि भारत प्रौद्योगिकी के जरिए नागरिका ने मजबूत बना दियो है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षमता का सदुपयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता विषय माथे राखी जी वेबिनार ने संबोधित कर रहा है। वेबिनार में कई महकमा विश्वविद्यालय अधिकारी शामिल हुआ। प्रधानमंत्री कहा कि आज सरकारी नीतियां और फैसला रो असर जगह जगह दिख रही है। आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है, लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं। टेक्नोलॉजी वन नेशन वन राशन कार्ड का आधार बनी और इससे करोड़ों गरीबों को पारदर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ। और दूसरे जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। टेक्नोलॉजी जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। जेम पोर्टल GEM जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे प्रोडक्ट बेच सके। ई नाम ने किसानों को अलग अलग जगहों के खरीदारों से जुड़ने का अवसर दिया है। भारत रा नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक री सालाना प्रतिवेदन रपट आज विधानसभा रा पटल माला धरी की। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, पंचायती राज संस्थाना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अवैध खनन माला निष्पादन रपट, सार्वजनिक खेतर उपक्रम और स्थानीय नगरीय निकास निकायारी लेखा रपट सदन में धरया। इंड साथ ही मंत्री भजनलाल जाट, भंवर सिंह भाटी और राजेन्द्र यादव न्यारा न्यारा महकमारी सालाना अंकेशन रपट विधानसभा में पेश करया। अध्यक्ष महोदय, में आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के 5 प्रतिवेदन एवं स्थानीय निधि
अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ। नंबर वन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 एवं नंबर टू, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम 2016 की धारा 3(1) के अंतर्गत विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किए गए विद्युत वितरण प्रबंध विवरण वर्ष 2022-23। राजेंद्र सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल कलराज मिश्र दे सर प्रदेशवासियों ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना है। इन मौके पर कहा है कि विज्ञान दिवस रे मौके मां सब ने जीवन रस्तकला क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टि रसाते ही भारतीय भाषाओं में विज्ञान प्रसार खातर काम करवारो संकल्प लेवनो चाहिए। इन मौके विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र सु राजभवन में मिला। राज्यपाल इन मौके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 रा विषय वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान ने खास बताया। आज ही दिन डॉक्टर सीवी रमन प्रभावरी खोज करया हा, इन मौके विज्ञान दिवस मनायो जावे है। आज विज्ञान दिवस है। आज ही के दिन 28 फरवरी 1928 को भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई, जो एक महत्वपूर्ण खोज साबित हुई। यही कारण है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रमन को अपने पिता चंद्रशेखर अय्यर से अन्वेषण और अनुसंधान का, वही माता पार्वती अम्माल से भाषा और सादगी का संस्कार मिला था। 1904 में रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक, 1907 में स्नातकोत्तर डिग्रियां अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। 1917 में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। भौतिक विज्ञान दरअसल रमन की रुचि का विषय था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी भौतिक विज्ञान संबंधी खोजों का कारवां चलता ही रहा। रमन के लगातार अनुसंधान का परिणाम ही रमन प्रभाव है, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक खोज माना जाता है। इसके द्वारा उन्होंने बताया कि प्रकाश का रंग परिक्षेपण द्वारा बदल जाता है। इसी महत्वपूर्ण खोज के कारण रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंग्रेज सरकार ने उन्हें दी तो स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1954 में भारत रत्न से अलंकृत किया। भारत के वैज्ञानिक विकास के लिए उनके पास अपना स्वदेशी मॉडल था। प्रतिभा पलायन उन्हें पसंद नहीं था। रमन प्रभाव की खोज के चलते भारत रत्न डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आज विज्ञान दिवस है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन का निशु आज ही दिन रमन प्रभावरी खोज करेगी ही। पेश है डॉक्टर सीवी रमन री जीवनी माला आधारित यह रपट। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सांसद जयपुर ग्रामीण को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारे युवा साथी, युवा बच्चे प्लस हमारे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसके बच्चे को अध्ययन करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इससे हमारे बच्चों को समय और पैसा दोनों की बचत हुई है। यहाँ के बच्चे कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर जाके अध्ययन करते थे, का टाइम भी खराब होता था। मैं नरेश पायला, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सुराणा। मैं सबसे पहले सांसद साहब और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हम मेरी ग्राम पंचायत में ज्ञान केंद्र खोला, जिससे हमारे गांव को बच्चों को यहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो सुविधाएं हमारे गांव में पहले नहीं थी, जो 8-10 किलोमीटर से बाहर बच्चे जाते थे, वो सुविधा अपन हमारे गांव के बालक और बालिकाओं को यहीं पे मिल जाएगी। सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कर्नल साहब हमारे ग्राम पंचायत में ही थे। उस समय गाँव वालों की, युवा साथियों की मांग थी ग्राम पंचायत बहुत
डिजिटल लाइब्रेरी जो संत साहब ने दी है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि बच्चे हमारे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, रात को आप देख सकते किस तरह बच्चा किस तरह अध्ययन कर रही है, इसके लिए उनके नाम का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 10-15 किलोमीटर दूर जाकर रोजगार की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती थी, जो अब मैं ज्ञान केंद्र में बैठकर रोजगार की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और साथ ही रोजगार की तैयारी भी कर रहा हूं। इसके लिए मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु देश में शिक्षा ने बढ़ाओ दिवा खातर शुरू करेगी नवी शिक्षा नीति न लेर भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अनूठी पहल करया है। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण खेतरा बामनवास भावपुरा रोजदा सोराना ग्राम पंचायत रा करीब 14 गांवारा टाबरा खातर डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान केन्द्र शुरूआत करया है। इन पुस्तकालय के जरिए ग्रामीण खेतरा में रह वाला टाबर गांव में रह प्रतियोगी परीक्षा वाली तैयारी कर सके है। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ री इन पहल री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीटर जरिए बढ़ाई करया है। उदयपुर पुलिस वरिष्ठ अध्यापक पर्चा लीक मामला में आरोपी भूपेंद्र सारंग सू पूछताछ रे पछे उनका साथी राजीव उपाध्याय ने जयपुर राशि प्राप्त खेतर सू गिरफ्तार कर लीनो है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा बताया आरोपी उपाध्याय पेपर लीक करवावा में भूपेंद्र सारंग री मदद करियो हो। इन मामला ने लेर अदालत आरोपी राजीव उपाध्याय ने 4 दिनारी रिमांड वाले भिजवारा हुक्म देनी है। बठई दूसरा आरोपी भूपेंद्र सारंग री न्यायिक अभिरक्षा 10 दिना खाता रोड बढ़ा दी गई है। इनके साथ ही एसपी विकास शर्मा बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती इम्तिहान के दौरान पुलिस एक फर्जी अभ्यर्थी ने पकड़ियो है, उसको चेक किया तो ये सूचना सही पाई गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसके लिए वो दलील बैठने वाला था वो व्यक्ति जो फरार है उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया गया। तो जो सिस्टम है इनको हमने अरेस्ट किया है और आगे इनके बीच में कौन लिंकेजेस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पेश करना सकता है, इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इनका आगे रिवार्ड लेके। कृषि शिक्षा ने बढ़ाओ देवा खातर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली का निशु उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 2 ड्रोन दिया गया है। विश्वविद्यालय का कुलपति डॉ अजीत कुमार कर्नाटक बताया कि एक ड्रोन उदयपुर और दूसरो ड्रोन भीलवाड़ा रा कृषि विज्ञान केंद्र ने दियो चावला। केंद्र सरकार का निशु काश्तकार सहायता करवा खातर ड्रोन की सुविधा मुफ्त दी जावला। इंड पछे विशेषज्ञ वारा खेता मजार कीटनाशक रो छिड़काव करावेला। भीलवाड़ा में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, 2 कृषि विज्ञान केंद्र उनमें और जो वहाँ कृषि के हमारे छात्र पढ़ते हैं और क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई हैं तो उनकी सेवा के लिए हम लोगों ने अर्पित किया है। और इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ड्रोन से कार्य करने में बहुत बचत है। एक तो समय की बचत है जो सबसे बड़ी बात है। दूसरी, भारतवर्ष में आपको शायद ज्ञात होगा कि भारतवर्ष में दुनिया का 4% पानी है और करीब 17.5% जनसंख्या को हम लोग वहन करते हैं, तो ये पानी की अत्यधिक कमी है। और राजस्थान तो वैसे भी पानी की कमी के लिए जाना जाता है, यद्यपि उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन पीने का पानी यहाँ भी बहुत दूर से आता है। जयपुर में शेखावाटी विकास परिषद ट्रस्ट का निशु फागोत्सव मनाया गयो। इन मौके संगीतकार सीमा मिश्रा और संजय रायजादा एकल गायन री प्रस्तुति दीना। कार्यक्रम में मौजूद रिया श्रोता फागोत्सव रो खूब आनंद उठाया। इन मौके शेखावाटी विकास परिषद अध्यक्ष जेपी मिश्रा कया कि इन भांतला कार्यक्रम नवी पीढ़ी ने मां की संस्कृति और सभ्यता से जोड़े रखा है।
जोधपुर रा सीमा सुरक्षा बल सहायक प्रशिक्षण केन्द्र में दीक्षांत परेड राखी जी कार्यक्रम रमाई आईजी मदन सिंह राठौड़ खास पावना रा रूप में मौजूद रिया। इन मौके नव आरक्षक दीक्षांत परेड करी और देश री सेवा री शपथ लेना। कार्यक्रम में बोलता था आईजी मदन सिंह राठौड़ नव रक्षका रा उज्जवल भविष्य री शुभकामना देना। इंडा साथ ही आईजी चोखो प्रदर्शन कर वाला आरक्षकों ने पुरस्कार भी देना। लागू नंबर एक की कमान संभाली है। जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा के निवास मतदान केंद्र की कमान कर रहे हैं। जिला जैसा आप लोगों ने देखा नव आरक्षक का बैच पास आउट हुआ और जो ट्रेनिंग का स्तर है वो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। एसटीसी जोधपुर सभी एसटीसी में से इसलिए नहीं कि मैं अभी तक इसका कमांडर हूं, इसलिए नहीं, वाकई इसका स्तर बहुत जबरदस्त रहा है और उम्मीद है आगे जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगी उसमें भी इसका स्तर बहुत ऊपर रहेगा और हम निश्चित रूप से बहुत ही सक्षम बोर्डरमैन जो है बना के यहां से भेजेंगे। एनसीसी जयपुर कानिसु भारत कानिसु करी जा रही G20 की अध्यक्षता रहते हैं जलवायु परिवर्तन माथे एक सेमिनार राखी जी। इंडरमाए एनसीसी रा कमान अधिकारी कर्नल जितेंद्र सिंह जलवायु परिवर्तन वाले जागरूकता पर्यावरण रा बदलाव रा कारणा सुबह वाली बीमारियां और सामाजिक जीवन वाले पड़वाला असर बाबत जानकारी देना। इन एनसीसी रा अधिकारी लेफ्टिनेंट महेश नावरिया समेत अधिकारी और एनसीसी कैडेट इनमें मौजूद रहा। हम ये सेमिनार रख रहे हैं क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसकी जागरूकता फैलाने के लिए इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बदलते मौसम के दुष्परिणाम ये जागरूकता फैलाने के लिए हम कैडेट्स को एनओस को और बाकी सब लोगों का इकट्ठा किया है ताकि G20 कंट्रीज को भी ये मालूम हो कि इंडिया इसमें सबसे आगे है। एनर्जी कंजर्वेशन जल को बचाना पहाड़ों की रक्षा करना पेड़ों की रक्षा करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर है प्रदूषण कम किया जाए इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर नवारिया ने यह लेक्चर लिया है। बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस कैंप को फैलाने का काम किया है। इसमें बच्चों को वो तमाम तरीके की बातें बताई गई है जिससे कि क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से लड़ा जा सकता है क्योंकि लड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक अपने आप में सुधार नहीं कर सकते। केएल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में मिशन उड़ान भरोरी पहल करेगी। इन पहल के तहत सेवारत सेनाधिकारी का पुत्र जयराज ग्रेवाल अक्षम आर्थिक बरगरा टाबरा खाता क्रिकेट होड़ रख्या। दो दिन ताणी चल वाली इन होड़ रोधे टाबरा की खेल प्रतिभा ने जगावण हो। केंद्र सरकार का निशु चलाया गया जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पुगावारा ध्येय में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और गड़बड़ी के कारण भगतपुर व्यापार पछे भी सब घर ताणी पानी नहीं पुगो है। इन खातर हनुमानगढ़ का लोग घना नाराज है। ग्राम पंचायत डबली बास चुकता के ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में घरों में चल रही जल सप्लाई नई पाइपलाइन लगाने के लिए खुदाई के दौरान टूट चुकी है जिसे दुरुस्त नहीं किया गया। जो ये सेंटर सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना चलाई गई थी इसके तहत हमारे जो काम हुआ वो अभी तक अधूरा पड़ा ही, यानी कि बोर्ड पे लिख दिया उन्होंने 27/5/2022 को कार्य पूर्ण कर दिया गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ये जो पहले वाली पाइपलाइन थी वो भी ठेकेदार ने क्षतिग्रस्त कर दी और हमारे घरों में अब पानी जाना बंद हो गया है। पहले वाली पाइपलाइन टूटने के कारण नई चालू नहीं की गई, हम लोग टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं जिसका किराया भी हमें देना पड़ रहा है। जो पुरानी पाइपलाइन थी चल रही थी सरकार ने जो पैसे दी थी सुविधा के लिए पानी के लिए स्वच्छ जल के लिए वो भी क्षतिग्रस्त करके उसको मिटा रखा है। पानी घरों में नहीं जा रहा। जो भी आदमी है ग्रामीण है कोई भी है वो टैंकर के द्वारा घरों में पानी डलवा रहा है
लेकिन उसका पैसा दे रहा है। जो 1500-2500 रुपए की रसीद कटी हुई थी उसका हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। दूसरी तरफ कार्यकारी एजेंसी व राज्य सरकार की अनदेखी के चलते मिशन में हुए कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की नजर आ रही है, जिससे ओवरहेड टैंक निर्माण के बाद दरारें आ चुकी हैं और उसमें यदि पानी सप्लाई के लिए छोड़ा जाएगा तो वह टूटने का खतरा भी है। ग्रामीण केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर रहे हैं और इसको लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा गया है। इसमें जी 8 महीने हो गए, पहली बार तक कोई आदमी आ ही नहीं रहा है। उसके अलावा यहाँ पर एक पाइपलाइन कुछ 18 STG में डली है, 17 STG में कोई पाइपलाइन भी नहीं डली है। और उनमें से जो पाइपलाइन डाली है उनके अंदर जो पहले वाली पाइपलाइन थी वो तोड़ दी और पानी हम टैंकरों से ले रहे हैं और कोई यहाँ पर ठेकेदार वगैरह कुछ कोई भी आया नहीं है। जिस अफसर के हैं वो कहते थे कल करा देंगे, परसों करा देंगे, पूरी पाइपलाइन जो पुराने वाली चालू करा दी तो भी हमारे को पानी मिल जाए। ये कोई चालू नहीं है, नीचे वाला थड़ा इसका टूट गया है, पानी इसमें भरा नहीं है। वहीं अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हनुमानगढ़ राम मूर्ति ने बताया कि निर्माण गुणवत्ता की अनियमितता की शिकायत को लेकर समय समय पर जांच की जाती रही है। वो जानबूझ के डिले कर रहा है, उस पे अलग से कार्रवाई होती है। कोई विभाग के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, कहीं पाइपलाइन को शिफ्ट करना है, कहीं वर्तमान यूटिलिटी को वजह से कोई व्यवधान आ रहा है, या जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको तोड़ने के दौरान कोई अनावश्यक विलंब हो रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी बाधाएं होती हैं जिनका एनालिसिस करने के बाद में ही उसको आगे समय अवधि दी जाती है। जानबूझ के कोई भी कॉन्ट्रेक्टर अगर डिले कर रहा है तो उस पर हम विभाग के नियमानुसार पेनल्टी भी लगाते हैं। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आम लोगों तक सही ढंग से पहुंचाने के लिए योजना की क्रियान्वति की लगातार निगरानी की आवश्यकता है। इस वक्त हम कमाणा गांव में हैं और कमाणा गांव के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जल जीवन मिशन का कार्यकारी एजेंसी द्वारा बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन इसमें कहीं भी स्वीकृत राशि है उसका कहीं उल्लेख नहीं है। और जो कार्य प्रारंभ करने की दिनांक थी वो 28/8/2021 थी और कार्य पूर्ण जो 27/5/2022 तक करना था। बहरहाल अगर इन तमाम अगर बातों पर अगर गौर करें तो केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को यहीं के कार्यकारी जो एजेंसियां हैं उसको पलीता लगा रही है। हेतराम इंदलिया, DD News, हनुमानगढ़। 2 मार्च NDRF कानिसुम मॉकड्रिल करी की इन दौरान भूकंप आवारी सूचना देर मॉकड्रिल राखी जी और मोबाइल जरिए प्रशिक्षण और जाग जगावारो काम करो गयो। मॉकड्रिल रमाए 2 जिला कलेक्टर कमर चौधरी की मौजूदगी में NDRF दल भूकंप आवारे पछे बचाव स्थिति ने काबू में लेवा खातर करी जा वाली जुगत ने दर्शायो। इन दौरान स्थानीय एजेंसियां SDRF सिविल डिफेंस होमगार्ड और पुलिस ने भी प्रशिक्षण दियो गयो। आज NDMA के द्वारा ये डिसाइड किया गया था, 6th बटालियन के कमांडेंट विवेन प्रसन्ना कुमार के डायरेक्शन में और DM दौसा के दोनों के बाद आज जो है CSR ऑप्स बोलते हैं जो अर्थक्यूब की मॉक ड्रिल होती है, आज एक डैम कम ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो अवेयरनेस के लिए किया जाता है कि आसपास जितने भी लोकल एजेंसियां जो डिस्ट्रिक्ट की जो डील करती हैं वो सिविल डिफेंस हैं, होमगार्ड है, SDRF है और भी जो भी एजेंसियां, मेडिकल डिपार्टमेंट हैं, जो भी डिपार्टमेंट हैं वो सब जो है आपसी तालमेल से यदि कोई आपदा आती है तो उसको किस प्रकार अंजाम दे सकते हैं, उसको किस प्रकार निबट सकते हैं, उसमें जो है जल्दी से जल्दी आके जो है अपना योगदान करके और उस ऑप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने लिए बुनकर सेवा केंद्र कानिसू जयपुर में बुनकराना बढ़ाओ देवा खातर जागरूकता कार्यक्रम रखे जा रही है। बुनकर सेवा केंद्र उपनिदेशक तपन शर्मा बताया कि आज पोदार इंटरनेशनल कॉलेज रा पढ़निया हथकरघा और प्रदेश में बनी चीजा ने दर्शाया, इन मौके घनी संख्या में बुनकर मौजूद रिया। जवाहर कला केंद्री सुकृति कला दीर्घा में 7 सिस्टर्स नुमाइश रखी जा रही है। नुमाइश में विपता कपाड़िया, अपर्णा नील,
मीना बया, सुप्रिया अंबर, चेतना सुदामी, कृष्णा महावर और कृतिका सक्सेना का निशु बनाई गई चित्र नुमाइश ने लेर स्थानीय लोगों में घनो उत्साह देखो जा रही है। सुप्रिया अंबर बताया कि यह नुमाइश 23-28 फरवरी तानी राखी जा रही है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 23 फरवरी से लगाई गई है। ये 28 फरवरी तक आज आखिरी दिन है इसका, और इसका मुख्य उद्देश्य वो है कि वो महिलाएं जो अपने जीवन, समाज, परिवार इन सबके दायित्वों को उठाते हुए चित्र भी बना रही हैं, और ना केवल चित्र बना रही बल्कि बहुत बेहतर चित्र बना रही हैं। उन महिलाओं के चित्रों को हम किस तरह से बेहतर तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं, एक प्रयास, वो प्रयास जो कि हम किसी और के ऊपर निर्भर ना होकर स्वयं ही प्रयास करें, स्वयं ही लोगों तक पहुंचने के लिए मेहनत करें, केवल उसी के लिए ये एक प्रदर्शनी का आरंभ किया मैंने। प्रदेश में मौसम पर उतार चढ़ाव जारी है। मौसम महकमा ने बुझा बापाड़ा दो दिना में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम राजस्थान रा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और आरएसआर रा जिला में बादला मंडिया रहा। इंडा साथ ही कटे कटे बादला गरजबारा साथ है थोड़ी घनी बिरखा भी वह सके है। अरब खास खबर एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता ल्यावारा विषय माथे राखी जी वेबिनार ने करे संबोधित कि अब भारत प्रौद्योगिकी के जरिए नागरिका ने बना रियो है मजबूत। भारत रा नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक री सालाना प्रतिवेदन रपट आज धरी गई विधानसभा रा पटल माले। कई मंत्री सदन में पेश करया न्यारा न्यारा महकमा री सालाना लेखा रपट। डॉक्टर सीवी रमन दी खोज, रमन प्रभाव ने ले देश मना रियो है विज्ञान दिवस। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों ने दीना बधाई। जोधपुरा सीमा सुरक्षा बल सहायक प्रशिक्षण केंद्र में राखी जी दीक्षांत परेड। नुवा आरक्षक दीक्षांत परेड पर लीना देश सेवारी शपथ। चोखो प्रदर्शन करवाड़ा ने करो गयो सम्मानित। प्रदेश का मौसम में उतार चढ़ाव जारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी खेतर में वैसे कह थोड़ी घनी बिरखा। एंड साथ ही बुलेटिन अठाई पूर्व से नमस्कार।